नमस्ते आप सबको। आज आपका 183वीं दिन के ईश्वरी वरदान। इस वरदान में जाने से पहले हम इस लिंक पर जाएंगे जहां पर कि आप जाकर के योगासन, डाइट, खान पान के बारे में भी सीख सकते हैं, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना और सोना कैसे कैसे सोना, कब सोना और कितना सोना, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के ईश्वरी वरदान में हम आगे बढ़ते हैं। आज का परमपिता परमात्मा का ईश्वरी वरदान हमें सच्ची सेवा कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। अब सच्ची सेवा का मतलब ये नहीं कि आप किसी तरीके से धन दें किसी को या किसी की मदद करें। घर में भी रहते हुए एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की मदद करना भी एक सेवा ही है। तो सबसे पहले घर को ही सेवा से शुरू करें। तो देखें आज परमपिता परमात्मा चाहते क्या है, हम किस प्रकार से सच्ची सेवा कर पाए। बाबा कहते हैं, मैंपन का त्याग कर, मैंने किया, मेरा आइडिया, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही बेस्ट हूं, मेरा प्लान था, मैंने आइडिया देते देखा, मेरी वजह से अच्छा हुआ, ये सारी चीजें ही गलत हैं। परमात्मा कहते हैं ये मैंपन देहाभिमान है, अहंकार है, जिस कारण से हम सच्ची सेवा नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति हमें अप्रिशिएट नहीं करता है या दूसरा व्यक्ति बोलता नहीं हाँ हाँ बड़ा अच्छा आइडिया था आपका, तो हम और दुखी होते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं तुम तो उनसे प्यार ढूंढ रहे थे, उनसे खुशी ढूंढ रहे थे, मैं कहाँ गया। यही बहुत गहरी और महीन बात है जो कि हम भूल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले, खोए तो तभी रह पाएंगे जबकि हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जब भगवान का कार्य कर रहे हो तो नशा चढ़ता है, जब अपने लिए कार्य कर रहे होते हैं तो नशा गुम हो जाता है। कैसे, थोड़ा सा किया कुछ नहीं मिला, वापस रुक गए, मैं क्यों करूं, मैंने तो इतना किया। परमात्मा कहते हैं तुम ये सोचते हो कि मेरे लिए कर रहे हो, परमात्मा का कार्य कर रहे हो, तो फिर सब कुछ परमात्मा तो देते हैं। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो प्रेम सुख शांति परमात्मा से मिलता है और उसे हमें इच्छा नहीं होती है कि भाई मैंने इतनी सेवा करी, मेरा मेरा नाम हो, मेरे को मान हो, मेरे को शान हो। अरे घर में आए हूँ आपके, इतनी सेवा करी, थोड़ा चाय पानी तो पूछो, लड्डू तो दो, मिठाई तो दो, समोसा तो खिलाओ। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। परमात्मा कहते हैं जो त्याग कर देते हैं मैंपन का, तो परमात्मा कहते हैं रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। विस्तार में चलेंगे और गहराई में। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो, तभी सफल हो पाएगी। क्यों, कोई भी सेवा आगे तक गहराई तक तब जा पाती है जब मैंपन खत्म हो जाता है। और जब मैंपन रहता है, थोड़ा देर आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला, वापस रिटर्न में रुक गए, बस सेवा खत्म, यही क्या परमात्मा कहते हैं, तो वो सच्ची सेवा नहीं हुई। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग कि मैंने करी, मेरा आइडिया था, मैंने बोला था, मैंने सुझाव दिया था या मेरा प्लान था, मुझे नहीं आगे बुलाया, ये फिर फीलिंग्स आ जाती हैं। तो इसलिए त्याग कर दो इस चीज़ का कि मेरा सब कुछ क्या किसने करवाया, देखते हैं आगे। मैंने नहीं की लेकिन मैं करण हार, मतलब करने वाला हूँ, करावन हार बाप है, कराने वाला पिता है। मेडिटेशन में बैठे, परमात्मा ने आइडिया दिया, बुद्धि किसने दी है, भगवान की दी हुई है। तो आइडिया किस में आया, बुद्धि में आया, तो दिया किसने, परमात्मा ने दिया। मेरा आइडिया भूल जाओ, मेरा प्लान भूल जाओ, इतनी नम्रता परमात्मा चाहते हैं हमारे अंदर। परमात्मा कहते हैं मैंपन, बाबा के लव में लीन हो जाए। तो किसी के जब प्यार में लीन होता है, जैसे माता पिता बच्चे के प्यार में लीन होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये नहीं सोचते कि बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। वैसे आजकल के तो माता पिता वैसे भी हैं ही, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कुछ कहते हैं कि क्यों ना रखें। परमात्मा कहते हैं कि वो सत्ययुग में नहीं होता था, कलयुग में होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ नापी तोली जाती है। परमात्मा कहते हैं सत्ययुग में नहीं नापी तोली जाती, तो मैं आपको वो आत्मा बनाने आया हूँ जो अपने नापते तोलते नहीं हो कि कितना दिया, कितना मिला, रिटर्न में क्या आया। तो आजकल तो कहते हैं कि संबंध भी गिव एंड टेक है, परमात्मा कहते हैं गिव एंड टेक नहीं होता, गिव 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 गिव, टेक नहीं होता। परमात्मा भी कुछ इच्छा नहीं करते, कुछ भी उनको वापस मिले तो हम उनके बच्चे हैं तो हम कैसे इच्छा कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं देना सीखो। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, परमात्मा करा रहे हैं, ये धरती भी मेरी नहीं है, पांच तत्व भी मेरे नहीं है, ये मोबाइल फोन जिससे सेवा हो रही है वो भी मेरा नहीं है, ये लाइट जो है सामने वो भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, है ना, बुद्धि भी मेरा नहीं है, ये ज्ञान जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने वो भी मेरा नहीं है। तो फिर करवा रहा कौन है, मैं कर रहा हूँ क्या, नहीं। अगर मैं कर रहा हूँ तो आज हम और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, या आज आपका आखिरी वरदान हो पाएगा, फिर उसके बाद मैंपन आ जाएगा। आपने कमेंट नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ आगे, लोग सिर्फ चार पांच लोग देख रहे हैं, मैं क्यों करूँ आगे, भाई सेवा किसकी हो रही है, मेरी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो इसलिए तब शक्ति रहती, तब सत्यता रहती, जब अंदर से साफ रहते हैं। और जब इच्छाएं होती तो साफ नहीं रह पाते, इच्छाएं होती तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, मुरादे होती हैं, है ना, ये मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मैंने इतना किया, लोगों ने लाइक नहीं किया, लोगों ने कमेंट नहीं किया, लोगों ने आगे भेजा नहीं इसको, लोगों ने वाह वाह नहीं करी या
लोगों ने मेरे को मदद नहीं करी, बस ख़त्म वहीं पर। परमात्मा कहते फिर मैं कहाँ गया, किसकी सेवा हो रही है। यही चीज़ हम अगर घर में भी करें, अपने कोई भी चीज़ करते हैं किसी के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, किसका दिया हुआ है ना, खान पान भी आता है, धन संपत्ति भी आती है, गाड़ी बंगला जो भी कुछ भी दिया हुआ है, किसका, परमात्मा का दिया हुआ है, तो उसको शेयर करना, मैंपन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के घर में भी शांति रहेगी। परमात्मा कहते हैं हम निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर शरीर मेरा नहीं है, तत्व मेरे नहीं है, चीज़ें मेरी नहीं है, आपस में हम कुछ देर के लिए आए हैं इस धरती पर, इस्तेमाल करके चले जाएंगे, तो फिर मैंपन कहाँ से आया, तो फिर मेरापन कहाँ से आया, परमात्मा कहते हैं। तो आप निमित्त हो गए, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो गए, आप बस चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हो, इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है। किसी पर चीज़ पर नाम नहीं लिख सकते आप, कोई भी चीज़ के ऊपर आपका नाम नहीं आ सकता, लिख भी दोगे तो मिट जाएगा किसी ना किसी दिन, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कराने वाला करा रहा है, परमात्मा करा रहा है। हम निमित्त हैं, सेवा में मैंपन मिक्स होना, अर्थात मोहताज बनना, किसी के मोहताज बनना, तभी तो मूड ऑफ होता है। मोहताज वगैरह, मोहताज बनना मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, कि ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो फिर अगर ये मोबाइल फ़ोन काम नहीं किया रहे, कंपनी को ब्लेम करना, ये लाइट नहीं काम करी, कंपनी को ब्लेम करना, लाइट चलेगी गवर्नमेंट को ब्लेम करना, और फैमिली में सब चीज़ को ब्लेम करना, ये सारे संसार को ब्लेम करना, मोहताज हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं औरों के ऊपर। परमात्मा कहते हैं वह नहीं करना है। वे बाबा कहते हैं सेवा में मैंपन मिक्स होना, अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। जो सच्चा सेवाधारी होता है उसके अंदर ये हैबिट, संस्कार हो ही नहीं सकते। बहुत गहराई से सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो गई हो, या आपके पास में कुछ और पॉइंट्स है जो कि आप चाहते हैं कि आप इस कमेंट में डालना चाहें, उसमें आप लिखिए, हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट वरदान में। तो अपने आइडियाज़, अपने कमेंट्स भी लिखिए कि सच्ची सेवा क्या हो सकती है, और गहराई से इसी अनुसार आप लिखे इसके। तो आज का ये ईश्वरी वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, खुश रहें, ओम शांति।